नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। द्वारका इलाके में एक दर्दनाक हादसे में कार सवार 11 साल के मासूम की गर्दन धड़ से अलग हो गई। हादसे के समय बच्चे के पिता कार चला रहे थे। द्वारका सेक्टर 22 के पास कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। रफ्तार काफी अधिक होने की वजह से डिवाइडर से टकराते ही कार हवा में 4-5 बार पलटी खाते हुए गिरी। इसी दौरान बच्चे का सिर खिड़की से बाहर आ गया और धड़ से अलग हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि आसपास खड़े लोग सिहर उठे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मयंक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस घायल पिता सुजीत और बहन त्रिशका को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची। द्वारका सेक्टर 23 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मयंक का शव परिवार को सौंप दिया है। एक स्थानीय निवासी ने पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा और उसने बताया, मैं मोबाइल पर बात कर रहा था जब मैंने तेज आवाज सुनी। लड़के का सिर खिड़की से निकलकर रोड पर आ गिरा था। मैं खुद देर के लिए जड़ हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी। जैसे ही कार सेक्टर 22 शुभम अपार्टमेंट के सामने पहुंची, अचानक डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। हादसे के समय मयंक के साइड की खिड़की का शीशा खुला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन हादसे के समय किसी तरह खिड़की से बाहर आकर अलग हो गई। पुलिस के मुताबिक सुजीत परिवार के साथ पोचनपुर इलाके में रहते हैं। मयंक के जाने के बाद अब परिवार में उनकी माँ, पत्नी और बेटी रह गई है। सुजीत की पोचनपुर इलाके में ठीक ठाक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से उन्हें किराया मिलता है। गुरुवार की रात को परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ स्विफ्ट डिजायर कार से गया था। सुजीत के साथ उसकी पत्नी, दोनों बच्चे और माँ थी। देर रात को वहाँ से वापस लौटते समय फ्रंट सीट पर उनके साथ मयंक बैठा था। पीछे त्रिशका को गोद में लेकर उनकी पत्नी और माँ बैठी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।